अरवल जिला के भोसरा पंचायत के ग्राम रेवती बिघा में आज हम लोग हैं। आप देखेंगे, मैं अपने सहयोगी कैमरा मैन को कि आप दिखाएंगे गली की स्थिति क्या है। खास करके यहाँ दलित समाज के लोग, ऐसे समाज के लोग रहते हैं कि आज तक गली भी नहीं बन पाया है। यहाँ सुध से आने के लिए गांव के बाहर से जब हम आए तो यहाँ पर आने जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, क्या यहाँ की समस्या है? आपका पेंशन मिलता है कि नहीं बताइए? इंदिरा आवास मिला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना? देखिए, इनका एज इतना हो गया लेकिन फिर भी इनका प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। और यहाँ कुछ महिला उनसे भी हम जानेंगे। बताइए इस महिला की समस्या क्या है? इस महल की समस्या है कि इंदिरा आवास चाहिए, चाहिए यही सब प्रॉब्लम है। क्या यहाँ चाहिए तो यहाँ के जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं तो क्या एक हम लोग से नहीं बोलते कि हम लोग तो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है ना? यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन उसका भैंस बनाता है, उसमें बच्चा नहीं पड़ता। देखिए, ये एसी समाज के महिला, अनुसूचित जाति समाज के महिला है लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि से ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, हम अपने कैमरामैन सोगी से बोलेंगे कि केंद्र दिखाएंगे, केंद्र दिखाएंगे। इस आंगनबाड़ी केंद्र खड़ा है, ये आंगनबाड़ी केंद्र भैंस बनाते हैं। और हम अपने कैमरामैन से कहें कि अंदर जाके देख लेंगे कि क्या स्थिति है उस आंगनबाड़ी केंद्र के, जो कि यहाँ के प्रभारी या पदाधिकारी इस आंगनबाड़ी केंद्र को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देख लेंगे क्या स्थिति है यहाँ के आंगनबाड़ी। और बताइए और क्या समस्या है? इधर भी वही स्थिति है कि इधर भी नदी नहीं है और यहाँ भी लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रही है के लोग। यहाँ कुछ महिलाएं उनसे भी हम जाने का पैसा आ जाएंगे। चाची बारिश हो रहा है, बताइए आप अपना नाम बोलेंगे? कास के बोले थोड़ा क्या है यहाँ के समस्या इस महिला का? क्या खराब है? इधर आ जाइए। चलो हो गया। और यहाँ से गांव से निकलने के रास्ता है क्या? आपको गांव से कैसे निकलते हैं बता दो। बहुत आने जाने में दिक्कत है। तो आप क्या यहाँ से जो प्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है। अरवल जिला और पटना जिला का ये बॉर्डर का गांव है ग्राम रेवती बिघा। विद्यालय भी है, महज 200 मीटर की दूरी पर रोड है लेकिन खास करके यहाँ के जो लोग रहते हैं रेवती बिघा में, जो हर एक समाज के लोग रहते हैं, कैसे ये लोग निकलते हैं रास्ता से, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से बोलेंगे कि आप पूरा लोकेशन दिखाएंगे रास्ता का कि कितना दिक्कत से ये लोग आते हैं। और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये रास्ता क्यों नहीं बना। ये पटना अरवल जिला का बॉर्डर का गांव है जो कि अरवल जिला में आता है। ये साइड में पटना जिला है और इधर अरवल जिले के गाँव है लेकिन इस गाँव में आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बताइए जो रास्ता अभी तक नहीं बना आजादी के बाद आज तक, आप लोग कैसे निकलते हैं इस गांव से? पहले पता चला था कि पटना जिला में, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि अरवल जिला में। हम लोग के रास्ता के लिए बहुत दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत यही रास्ता से, यही मेन रास्ता है। हम लोग के रास्ता के लिए बहुत जरूरी। अरे कोई जगह है, यही रास्ता है बॉर्डर पर। क्या चाचा अपना नाम बोलेंगे जी? का ये मतलब रास्ता क्या प्रॉब्लम है? इसे जो है बॉर्डर पर तो वो पार्टी के लोग कहता है कि जो हम बनाएंगे तो पैसा नहीं निकलेगा। इधर से लोग कहता है कि बॉर्डर पर है, तो कोई कहता है कि न अरवल में है। यही झंझट है, यही मसला है।
यहाँ बॉर्डर की मामला है, पटना वाले बोलते हैं, पटना वाला बोलते हैं कि अरवल का है, लेकिन ये रास्ता पटना में है कि अरवल में है, बताएंगे साहब। अरवल में है, अरवल में हम कैसे बताएं, अरवल में तो लपाया है। जी खरौंजा जिला का, अरे कोई जिला को के भाई ए, अरवल जिला और पटना जिला के चक्कर में इस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है।